चैनल दोस्तों, मैं हूं कमालुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कमाल ऑटोमोबाइल। तो चलिए फ्रेंड्स, आज कुछ नया सीख लेते हैं। दोस्तों देख सकते हैं मेरे पास सीबीजेट स्टीम बाइक हम लोगों के पास आया है और इसका इंजन तीज हो गया था, जिसके कारण हम लोग पूरा इंजन हम लोग ओपन किया दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला है दोस्तों, इस इंजन को कैसे असेंबल करें, कैसे पिस्टन रिंग को फिट करें, कैसे इसका जितना भी पेन या हमें आउटपुट इनपुट जो सैप होता है उनको कैसे फिट करना है, सब इस वीडियो के जरिए से आपको दिखाने वाला दोस्तों। तो वीडियो काफी हेल्पफुल और काफी इंटरेस्टिंग होने वाला दोस्तों। जो दोस्त नया काम सीख रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा दोस्तों। तो वीडियो बने रहिए, इसको स्किप मत करना दोस्तों, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों। अगर इस तरह का वीडियो पाना चाहते हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि ऐसे चैनल पर वीडियो आपको मिलते रहेंगे दोस्तों। वॉशिंग बहुत जरूरी है दोस्तों, वॉशिंग साफ सफाई इंजन का जब भी काम करे दोस्तों, साफ सफाई बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि जितना अच्छा आप साफ सफाई करोगे उतना अच्छा इंजन का आपको परफॉर्मेंस अच्छा मिलेगा दोस्तों। ये जो बियरिंग है, जब भी फुल इंजन का आप काम करें तो बियरिंग जरूर आप नया डाल दीजिएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है एक इंजन का साउंड बहुत अच्छा क्वालिटी आता है दोस्तों, ठीक है। और इसका जो कनेक्टेड है ये भी हम लोग चेंज कर दिया, ठीक है, इसको भी हम लोग नया इसमें ऐड कर रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पे उषा का पिस्टन हम लोग यूज कर रहा है, एकदम जेन्युइन दोस्तों, उषा का पिस्टन हम लोग डालते हैं दोस्तों, ये जेन्युइन आता है दोस्तों अच्छी साइज का, ठीक है। तो वीडियो बना रही है, वीडियो थोड़ा लंबा होगा दोस्तों, लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। तो सो गाइस, अभी इसका जो आउटपुट और इनपुट सब है, ये जो हम लोग इनपुट सब है हम लोग, ठीक है, इनपुट सब का यहाँ पे एक वॉशर लगता है, ठीक है। और देखिए इस साइड पर, ठीक है, वॉशर मिसिंग मत कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों अभी देख सकते हैं फाइनली हम लोगों का पूरा गियर आउटपुट और इनपुट से आपको हम लोग गियर पिनियन को जितना भी है हम लोग इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। अभी देखिए एकदम सही हो गया, थोड़ा हल्का सा कर देना, ठीक है, बस अभी देखिए न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल होने से क्या होता है, ये वाला जो हम लोगों का सब है घूमेगा नहीं, देखिए यहाँ पे हाथ पकड़ के रखा है, ठीक है, अभी न्यूट्रल में है, ठीक है, और वॉशर घूम ना हो जाए, ठीक है, वॉशर आप जरूर याद कीजिएगा, ठीक है। ऊपर में एक वॉशर लगता है, अभी हम लोग क्रैंक सब को इसमें ऐड करने वाला है, ठीक है। फाइनली हम लोग क्रैंक शाफ्ट को इसमें ऐड कर दिया, गियर पिनियन को जितना भी हम लोग सब लुब्रिकेट कर लिया, और इसका जो बियरिंग देख सकते हैं, बियरिंग अच्छे से वॉशिंग करके फिर ये इसके अंदर अच्छे से लुब्रिकेट करना पड़ता है बियरिंग को, ठीक है। तो कर लिया हम लोग, अभी रेजिबोन का थोड़ा ऊपर यही एक वॉशर, अब ध्यान रहना दोस्तों, ये वॉशर ना मिसिंग ना हो जाए। तो सो गाइस, अभी हम लोग इसका जो हेड है वाल्व को हम लोग उसमें ऐड करेंगे, ठीक है, ये वाला देख लीजिए कैसे वाल्व को डाला जाता है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा हल्का सा तो लूजमेंट कर लेंगे हम लोग मोबिल से, यहाँ पे दो ऑयल सील लगता है, ठीक है। और देखिए हम लोग हीरो का जेन्युइन ऑयल सील है, यहाँ पे दो वॉशर लगते हैं दोस्तों, इस पे हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है। अभी जो दो वॉल सील है इसमें हम लोग बैठाएंगे बस, और
बस हो गया। अभी देख सकते हैं ये जो वाल्व है इंटेक और एग्जिट वाल्व को हम इसमें डालेंगे, ठीक है। थोड़ा हल्का मोबिल का यहाँ से लूबिंग कर लेंगे, और जो सीड है वाल्व का जो सीड है हम लोग नया इसमें ऐड किए हैं, ठीक है। तो जब भी इंजन का काम करे वो भी फेंक दीजिएगा, तो इंजन का साउंड परफॉर्मेंस अच्छा होगा दोस्तों। तो इंटेक और एग्जिट को हम लोग बैठाएंगे वाल्व को, ये देखिए ये इंटेक है, बस बैठ गया। अभी अच्छे से बस वो भी बैठ गया, ठीक है। अभी एक स्प्रिंग देंगे, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे उल्टा सुधा देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये दोनों वाला जो है हल्का वाला हम लोग नीचे में देंगे, ये देखिए। ये बहुत ज्यादा मैकेनिक भाई यहाँ पे तो गलती कर देता है, जैसे भी ऐसे बैठा रहता है, लेकिन नहीं दोस्तों। यहाँ पे देखिए दो, यहाँ पे देखिए एक दो तीन जगह में, तो ये वाला हम लोगों को नीचे में देना पड़ेगा, ठीक है। ये उल्टा सीधा भी रहता है इसकी, बस अभी इसका बहुत सा दे देंगे, और एक का जो लॉक होता है इसमें हम लोग ऐड कर देंगे। ये आराम से हो जाता है दोस्तों, अकेला ही हो जाता है दोस्तों, बस बैठ गया। तो अभी देख सकते हैं ये वाला हम लोग स्प्रिंग को इसमें ऐड कर दिया, और ये जो चाबी है वाल्व चाबी इसमें हम लोग ऐड करेंगे। बस ये हम लोग अब वाल्व पंप जो हो चुका है दोस्तों, देख सकते हैं, ठीक है। इंटेग्रेटेड एग्जॉस्ट। चलिए दोस्तों अभी इसका जो पिस्टन को कैसे बैठाया, इसका जो पिस्टन रिंग को कैसे सेट किया जाता है वो आपको हम बताएंगे दोस्तों। तो